स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं संदीप सिंह, आपका मैथ्स ट्यूटर। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 22 तरह के सवाल, 22 टाइप के, 22 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। 124 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 156 क्वेश्चन की शीट है। अब हम इस टॉपिक के खत्मे की ओर, अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं टाइप 23 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी हानि होती है जितना लाभ उसे 300 में बेचने पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। द लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200 इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹300। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान सवाल है ये, बिल्कुल बेसिक है। हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते देखते। देखो अभी छोटा बच्चा है, फिर धीरे धीरे जवान होते 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 हैंडसम बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है ये, बेसिक सवाल है। बेसिक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसे अच्छा बनाएंगे। कैसे इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखो ये आसान सवाल है। जब भी वो कहता है कि 200 रुपये में बेचने पर जितना लॉस होता है 300 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है, या कितने में भी बेचने पर जितना लॉस होता है दूसरे किसी प्राइस में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है, और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो याद रखें हमेशा कॉस्ट प्राइस उन दी हुई कीमतों का एवरेज होगा। कैसे उसे देखते, देखो भाई 200 और 300 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा, 250। ये इसका वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। कैसे, ज़रा ध्यान से देखो भाई। देखो 250 वाली चीज़ को 200 में बेचेंगे तो 50 का लॉस हो जाएगा, और 250 वाली चीज़ को 300 में बेचेंगे तो 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जब भी कभी वो कहता है कि एक्स कीमत पर बेचने पर आपको जितना लॉस होता है वाई कीमत में बेचने पे उतना ही प्रॉफिट होता है, तो बहुत आसान सीधी सी बात है, आप दोनों कीमतों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। मतलब दोनों कीमतों का एवरेज जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब जितना इससे ये कम होगा उतना ही इससे ये ज़्यादा होगा। आसान है भाई, बहुत आसान है। तो ये बेसिक सवाल था, अभी ये थोड़ा बड़ा भी होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। 80 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत हानि उसे 120 रुपये में बेचने पर होती है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹80 इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹120। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस और लॉस ऑन द आर्टिकल। देखिए ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कभी कन्फ्यूज़न हो। उसमें बोला था जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है, इसमें कह रहा है जितने परसेंट प्रॉफिट होता है उतने ही परसेंट लॉस होता है। तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर हमें CP निकालना है तो हम बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। हालाँकि आपसे CP पूछा नहीं है, हम CP निकालेंगे, पहले हम CP निकालते हैं। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो मैंने कहा दोनों कीमतों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, दोनों का औसत या एवरेज निकाल दें, तो एवरेज आ जाएगा ₹100 या कॉस्ट प्राइस आएगा ₹100। अब देखो भाई 100 वाली चीज़ को एक बार 80 में बेचता है, एक बार 120 में बेचता है। अगर 100 वाली चीज़ को 80 में बेचेगा 20 का लॉस होगा, 100 वाली चीज़ को 120 में बेचेगा तो 20 का प्रॉफिट होगा। होगा तो 100 पर ही, तो जितने परसेंट लॉस होगा उतने ही परसेंट इधर इस कीमत में बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा। तो अगर वो पूछ रहा है लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो लॉस या प्रॉफिट दोनों केस में इक्वल है। मतलब ₹20, अगर 80 में बेचता है तो 20 का लॉस, 120 में बेचता है 20 का प्रॉफिट, तो आप कहोगे प्रॉफिट या लॉस होता है 20। कितने पर होता है, हमेशा CP पर होता है, इनटू 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, बचेगा 20%। अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करें तो आप कहोगे कि 20% का प्रॉफिट या लॉस होता है इस केस में। ये सवाल आसान है, बेसिक है। अब इसको थोड़ा एडवांस करते हैं। देखें अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 8200 में बेचता है, 8200 रुपये में बेचता है, तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, कुछ लॉस उसे होता है। जब वो दूसरे समान टीवी सेट को, मतलब सेम टीवी को 9400 में बेचता है, 9400 रुपये में बेचता है, तो उसे पिछली हानि से दोगुना लाभ होता है। मतलब पहले जितना लॉस हुआ था उससे डबल प्रॉफिट होता है।
तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बताएं। अ पर्सन सोल्ड अ टीवी फॉर रुपीज 8200 देन ही लॉस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट व्हेन ही सोल्ड अनदर टीवी ऑफ द सेम टाइप एट रुपीज 9400 हिज गेन वाज डबल द फॉर्मर लॉस व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी। अब यहां से आप बात को समझ देखिए भाई, दो कीमतें हैं, एक बार वो 8200 में बेचता है, एक बार 9400 में बेचता है। इधर बेचने पर इसे कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस तो हम मान सकते हैं कि एक्स लॉस होता है, और इधर बेचने पर दोगुना प्रॉफिट होता है तो हम कहेंगे कि 9400 में दोगुना प्रॉफिट ऐड है। लेकिन सीपी यहां पर कहीं होगा इन दोनों के बीच में, भाई इतने में बेचने पे प्रॉफिट होता है, इतने में बेचने पे लॉस होता है, तो आप कहोगे कि सीपी इन दोनों कीमतों के बीच में कहीं होगा। अगर मैं कहूँ इन दोनों प्राइस में डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे 1200 रुपये। भाई ये 8200 है, ये 9400 है, दोनों की कीमतों में फ़र्क है 1200 रुपये का। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में अगर हम इस प्रॉफिट और लॉस को देखें तो अंतर कितना है, तो आप कहोगे एक्स प्लस 2x 3x। आप कहोगे इधर हमने घटाया है तो इधर भी घटाते हैं, लेकिन इस बात को समझ लेने जैसी बात है। भाई ये लॉस है और ये प्रॉफिट, अगर हम दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे ये नंबर लाइन है ये ज़ीरो है, मतलब सीपी है, इससे एक लॉस है और इससे दो प्रॉफिट है, तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 2 + 1 = 3। जब हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो आएगा क्या, 2 + 1 = 3। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो चीज़ों को घटाते हैं, ये 2x प्रॉफिट है तो प्लस में है, ये x लॉस में है तो माइनस में है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो 2x में से माइनस एक्स को आप लेस करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स बराबर 3x। कहने का मतलब अगर इस सारी बात को, सारी बकवास को छोड़ देते हैं, हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे इस बात को रखते हैं। देखिए अभी समझाने की कोशिश की है मैंने कि आप समझे, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो अल्टीमेटली दोनों जुड़ जाते हैं। या फिर अब आप इस एक्स को रखें ही ना, हम रखें कि एक लॉस होता है इधर तो इधर दो प्रॉफिट होता है। कुल मिला के 1 और 2 = 3 रेशियो का डिफरेंस है, और ये 3 रेशियो बराबर है 1200 रुपये के। 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये, मतलब 1 जहाँ पर है उसका मतलब है 4। अब यहाँ पे देखो 1 का लॉस हुआ है, मतलब 400 रुपये का लॉस हुआ है। अब ध्यान से समझे बात को, किसी ने 400 रुपये का घाटा खा के चीज़ 8200 की बेची है, 400 का नुकसान उठाया फिर 8200 की बेची, इसका मतलब खरीद कर लाया होगा 82 + 400 = 8600। समझ पा रहे हैं अभी बात को, 8200 में चीज़ बेची है, 400 का घाटा खा के बेची। अगर हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकालते तो 1 की वैल्यू 400 है, 2 की वैल्यू 800 आएगी। अगर यहाँ पे आप 800 रखोगे तब भी इतना ही आए। किसी ने कोई चीज़ 9400 की बेची है और 800 का प्रॉफिट कमा के बेची है तो इसमें 800 प्रॉफिट ऐड है। अगर उस 800 प्रॉफिट को हम घटा देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 8600। हालांकि हम दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एक ही तरफ से करेंगे। आप समझे बात को, ये सवाल बहुत आसान है, इसमें लिखने जैसी कोई बात नहीं, आप बिना लिखे इसे लिख कर सकते हो। देखो भाई, ये दिमाग में सोचें कि एक बार 8200 में बेची है, एक बार 9400 में बेची है, एक बार 1 के लॉस पे बेची है और एक बार 2 के प्रॉफिट पे बेची है। अगर मैं कहूँ इन दोनों में रुपए में अंतर कितना है तो आप कहोगे 1200। मैं कहूँ इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे ये 1 लॉस है, ये 2 प्रॉफिट है, तो 2 और 1 = 3 रेशियो का डिफरेंस। 3 रेशियो 1200 के बराबर है, 1 रेशियो होगा 400 के बराबर, 1 = 400 के, तो आप कहोगे 400 का घाटा खा के 8200 में बेची है तो चीज़ खरीद कर 8600 की लाया हो। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा है, इससे भी अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। तो एकादश के जैसा और देखते हैं, देखें आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। जब एक वस्तु को 600 में बेचा जाता है तो इससे प्राप्त लाभ उस हानि से 5 गुना है जो इससे 300 पर बेचने से होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 600 देयर इनकर अ प्रॉफिट 5 times ऑफ द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 300 फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। भाई बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, कुछ करने जैसी बात भी नहीं। एक बार ये 600 रुपये में बेचा जाता है, एक बार ये 300 रुपये में बेचा जाता है,
एक बार कुछ लॉस पर बेचते हैं, तो हम मान लेते हैं एक लॉस पर बेचते हैं, और एक बार इससे 5 गुना प्रॉफिट होता है। अगर इधर 1 लॉस होता है तो इधर 5 प्रॉफिट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों कीमतों में रुपए में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 300, और मैं कहूँ रेशियो का अंतर कितना है, तो 5 और 1 6, इसे घटाना नहीं इसे जोड़ना है, 5 और 1 6, 6 रेशियो बराबर 300 के, 1 रेशियो बराबर आएगा 300/6, मतलब 50 रुपये। मतलब -1 का मतलब है -50, मतलब 50 रुपये का घाटा खा के इसने ये चीज़ 300 की बेची। 50 का लॉस हुआ तो 300 की बेची, मतलब ये इसे खरीद कर कितने की लाया होगा, 350 भी, 350 की खरीद के लाया, 50 का लॉस हुआ और 300 में इसे बेच दिया, तो आप कहेंगे कि इसका CP या कॉस्ट प्राइस कितना है, 350। ये आसान सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा, इसमें कुछ बहुत कुछ करने जैसा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये भी ऐसा ही है, वस्तु के सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदल रही, आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, लेकिन क्वेश्चन वही है, ट्रीटमेंट वही है। वस्तु के विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बिल्कुल वैसे ही, सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर, इसका मतलब ये है कि पहले मानो 1 रुपये इसका सेलिंग प्राइस था, अब 3 रुपये, अब 100 300 मान लो, अब 50 150 मान लो, अब कुछ भी मान लो, उसके आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार 1 में बेचता है, एक बार 3 में बेचता है, कह रहा है 3 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है, मतलब जितना लॉस इधर होता है उतना ही प्रॉफिट इधर होता है। हम कहें इधर रुपए में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 2, हम कहें ऊपर रेशियो में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 2, भाई दोनों को जोड़ना है, तो 2 बराबर है 2 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, 1 के। तो देखो भाई 1 रुपए में बेचने पर इसे 1 का लॉस होता है, और 1 बराबर 1 के है, तो आप कहोगे 1 और 1 2 रुपए में खरीद के लाया होगा, ये इसका CP। आप इसे वैसे भी कर सकते थे कि एक बार 1 में बेचता है, एक बार 3 में बेचता है, अगर CP निकालना है दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर। अगर मैं आपसे कहता CP कितना है, तो आप कहते 2, तो 2 वाली चीज़ को 1 में बेचेगा तो लॉस कितना होगा, 1 का, और कितने पर होगा, 2 पर होगा, या 2 वाली चीज़ को 3 पर बेचेगा तो प्रॉफिट 1 का होगा, 2 के CP पर होगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 50% प्रॉफिट या 50% लॉस, और ऐसे करेंगे तब भी वही बात है कि 2 की चीज़ खरीदी, 1 की बेची, तो 1 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 2 पर हुआ × 100, तो दोनों में से कुछ 1 करना है, ये करना है या ये करना है। जब सवाल बहुत बेसिक हो तो आप इसे ना करें, बेसिक हो तो बिल्कुल इसे करें। जब दिया गया परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस आपस में इक्वल हो, तो आप दोनों को जोड़ के आधा करके CP निकाल दें, उसके आगे की कहानी आसान है। ठीक है भाई, थोड़ा इस सवाल को और एडवांस बनाते हैं, देखें ध्यान से। दिया है, जब एक वस्तु को 440 रुपये में बेचा जाता है, तो इससे प्राप्त लाभ उस हानि से 20% ज्यादा है। अब देखिए परसेंट में वैल्यू बता रहे, पिछली बार कह रहा था 2 गुना है 3 गुना है 5 गुना है, इस बार कह रहा है जब 440 में बेचा जाता है, तो इससे प्राप्त प्रॉफिट उस लॉस से 20% ज़्यादा है जो इसे 275 में बेचने से होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹440, देयर इनकर अ प्रॉफिट 20% मोर देन द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹275, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। सही भी, 440 में बेचा जाता है, 275 में बेचा जाता है, तो 2 कीमतें आपके पास हैं, 275 एंड 440, और वो कह रहा है कि जब 275 में बेचा जाता है उससे 20% ज़्यादा हानि, सॉरी उससे 20% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखो भाई 275 में बेचने पे कुछ लॉस होता है, अगर मैं इसे 1 मानूँ तो यहाँ पे हमें 1 का फिर परसेंट निकालना पड़ेगा। जब भी वैल्यू परसेंट में दी होती है, तो हम मानने वाली वैल्यू को हमेशा 100 मानते हैं, क्योंकि 100 पर परसेंट निकालना आसान है। हम मान लेते हैं कि 275 में बेचने पर ऐसे 100 रेशियो की लॉस होता है, तो 440 में बेचने पे 20% ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो 100 से 20% ज़्यादा का मतलब है 120, भी 100 का 20 20 होता है, इसका मतलब 100 से 20% ज़्यादा का मतलब इधर अगर 100 का लॉस होता है, तो इधर 120 का प्रॉफिट होता है।
अगर चाहो तो आप इसको रेशियो में भी तोड़ सकते हो, 5 और 6। अगर इधर 5 का प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो इधर 6 का प्रॉफिट होता है। हमने इसे 20 से काट के छोटा नंबर बना लिया। अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि इसमें और इसमें रुपए का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 165, 165 रुपए। और मैं कहूँ रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 5 और 6, 11, क्योंकि ये लॉस है और वो प्रॉफिट। 11 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 165/11, मतलब 15। और हमें चाहिए या तो 5 की वैल्यू या 6 की वैल्यू। अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो आएगी 15×75, 75, मतलब इसकी वैल्यू है 75 रुपये। अब देखिए भाई, 275 में बेचने पर 75 का लॉस होता है, 75 रुपये का लॉस होता है, तो 75 का घाटा खा के इतने में बेची है, खरीदी कितने में होगी, 275 और 75, 350। मतलब ये इसका CP रहा होगा। जब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा बनाएगा, और अगर इससे भी अच्छा बनाएगा तो कैसा बनाएगा, देखें आपकी स्क्रीन पे। जब एक वस्तु को 410 रुपये में बेचा जाता है, तो इससे प्राप्त लाभ उस हानि से 16/2/3% ज़्यादा है जो इससे 267 में बेचने से होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है भाई? देखें ध्यान से, आपको दो कीमतें दे दी गई हैं, एक बार इसे 267 में बेचा जाता है और एक बार इसे 410 में बेचा जाता है। इस बार परसेंट को थोड़ा सा मुश्किल बना के आपको सवाल मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि जितना लॉस होता है उससे 16/2/3% इधर प्रॉफिट होता है, तो वो ये चाहता है कि आप इस कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत उलझो और अपना टाइम वेस्ट करो, पर आप नहीं करें। देखो भाई, 16/2/3% का मतलब है 1/6। इसका मतलब है कि अगर इधर बेचने पर 6 लॉस होता है, तो इधर 6 से 1 ज़्यादा 7 प्रॉफिट होता है। समझे बात को? ये बात हम पढ़ चुके हैं, 16/2/3% का मतलब 1/6। मतलब इधर अगर 6 हम लोग लॉस मान लें, तो हम कहेंगे 6 से 1 ज़्यादा, कह रहे हैं इससे 16/2/3% ज़्यादा होता है, और 6 का 16/2/3% 1 होता है, तो 6 से 1 ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप कहोगे 7। अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के बीच रुपए का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 143 रुपीज़। और अगर मैं कहूँ रेशियो का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 7/6, 13। 13 से इसे काट दो 11 बार, 1 की वैल्यू 11 आएगी, हमें या तो 6 की वैल्यू चाहिए या 7 की। अगर हम 6 की वैल्यू निकालें तो 6 की वैल्यू आएगी 66, 6 = 66। अब ध्यान से देखो भाई, 66 रुपये का घाटा खा के इसे 267 में बेचता है, तो खरीदता कितने में होगा, इन दोनों को जोड़ लें, 7/6, 13 हासिल लगा 1, 6/6, 13, 13, 3। आप कहेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस है 333। उम्मीद है आपको ये टाइप पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा बहुत शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।